नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की ओर। सतना जिले में रहने वाली 16 साल की किशोरी अचानक की छत से गिर गई। इस दौरान उसकी धमनी फट गई और हार्ट अटैक आने से दिल में तीन छेद हो गए। किशोरी के परिवार वाले उसे आनंद फानंद में कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक होने के चलते उसे इलाज के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। किशोरी की हालत बेहद ही नाजुक थी। अस्पताल में लाते ही उसे वेंटिलेटर में रखा गया। डॉक्टरों ने किशोरी की स्क्रीनिंग की तो देखा कि बच्ची के हार्ट में छेद हो जाने से उसकी सांस फूल रही है। जल्द ही बच्ची का इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। किशोरी का ऑपरेशन करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के एल उमा महेश्वर ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि भारत में संभवत यह पहला ऑपरेशन है जब किसी 16 साल की किशोरी को हार्ट अटैक से दिल में तीन सुराग हुए हों और उसका सफल ऑपरेशन किया गया हो। उन्होंने बताया कि आमतौर पर व्यक्ति के जन्म से ही दिल में सुराग होता है, पर इस किशोरी को दुर्घटना के चलते ऐसी हालत बने थे, लिहाजा एक यह जटिल ऑपरेशन था कि किशोरी के हार्ट में हुए तीन सुरागों को डिवाइस से भरा जाए। डॉक्टरों की टीम ने किशोरी के हार्ट में दो डिवाइस लगाकर सुरागों को बंद किया। ऑपरेशन के बाद बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी अब सांसें फूलने की समस्या खत्म हो गई है, साथ ही वे अब आम इंसानों की तरह जिंदगी जी सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के एल उमा महेश्वर की माने तो उन्होंने अपने जिला अस्पताल के कैरियर में आज तक कभी नहीं देखा कि सिर्फ 16 साल की किशोरी को हार्ट अटैक आया हो और दिल में तीन सुराग हो गए हों। जबलपुर के निजी अस्पताल में मजदूर वर्ग किशोरी यहाँ इलाज पूरी तरह से निःशुल्क हुआ है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से हमारे कार्डियक टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने इतने रेयर ऑपरेशन को वो किया है और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने जैसे ही बताया कि ऐसा ऐसा केस है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं है और इस केस को हमको करना है। डॉक्टर के एल मोहम्मद इस्तर ने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया और उनको पूरी छूट दी कि आप अपने हिसाब से करिए। बच्ची का जीवन महत्वपूर्ण है, पहला प्रयास हमको उसका जीवन बचाने का करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग से किया और बच्ची आज पूर्णतः स्वस्थ है और ये अपने तरीके का मध्य प्रदेश और देश में पहला ऑपरेशन है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। धन्यवाद। छत से गिरी थी सीने के बल, और सीने के बल गिरने की वजह से हार्ट अटैक, जो कि सबसे बहुत ही रेयर है। मतलब हमने अभी तक 14 साल से कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इस तरीके का केस कि छत से गिरने के बाद हड्डियाँ टूटना और ये सब चीज़ें सुना है, बट छत से सीने के बल गिरने के बाद हार्ट अटैक आना बहुत ही रेयर और विचित्र है। और उस हार्ट अटैक के साथ भी बच्ची की के साथ वो हार्ट अटैक के कारण काफ़ 4 दिन तक वो हार्ट अटैक की स्थिति में रही, उस वजह से हार्ट में 3 छेद हो गए, ये और भी रेयर है। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट में अगर छेद होता है तो 1 या 2 छेद होते हैं, 3-3 छेद होना काफ़ी रेयर है। उस रेयरिटी के साथ में बच्ची का बचना भी बहुत रेयर होता है, क्योंकि जिसको भी छेद होते हैं हार्ट अटैक के बाद 80% जनता जो है उनका बचने की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। अगर जो बच भी जाते हैं तो सांस फूलना और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस बच्ची को जैसे सांस फूल रही थी तो हमने एक निर्णय ये लिया था, 2 तरीके के ऑपरेशन हो सकते थे। एक तो ओपन हार्ट सर्जरी करके पूरा उसके छेदों को बंद किया जाए उसमें, और दूसरा कि बिना ओपन हार्ट सर्जरी करके सिर्फ छल्लों के माध्यम से उसको बंद किया जाए। ओपन हार्ट सर्जरी में जब हमने सर्जन और सब ने डिस्कस किया, हॉस्पिटल के साथ डिस्कस किया, तो ये समझ में आया कि ओपन हार्ट सर्जरी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बच्चे की ऑपरेशन के दौरान मौत होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एंजियोग्राफी मेथड से जितने भी छेद हैं उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली हार्ट के जो भी छेद होते हैं या 1 या 2 जो भी छेद होते हैं, 1 छल्ले से बंद हो जाते हैं, बट इस बच्ची को पूरी तरीके से छेद, 3-3 छेद थे तो सबको बंद करने के लिए हमने टोटल 2 छल्ले डाले हैं, 2 छल्लों से पूरी उसके छेद बंद किए हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि ये बच्ची को सांस फूलना वगैरह सब चीज़ें कम हो जाएगी और बंद ही हो जाएगी, और ये बच्ची आगे की जो जीवन शैली इसकी जो रहेगी वो आपके और मेरी जैसी ही रहेगी। मतलब ये शादी कर सकती है, बच्चे, सब चीज़ें एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेगी। 1-2 दवाइयाँ चलेंगी बट एवरीथिंग विल बी फाइन। और मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल और एनेस्थेटिस्ट जितने भी हमारी कार्डियक टीम है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कभी सालों या 10 सालों में एक बार इस तरीके का केस आता है, और जिस तरीके से एक
एक पूरा हार्ट टीम और हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इस चीज़ को आगे क्योंकि एक प्रकार का रेयर है, इंडिया में ही अगर एक या दो हुए होंगे तो हुए होंगे, बट जिस तरीके से इतना डिफिकल्ट काम करने के लिए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल अथॉरिटी ने जो प्रेरित किया वो काफ़ी सराहनीय रहा। सर, हम सतना जिला के रहने वाले हैं, सिद्धार्थनगर भैया टोला सतना। हमारी बच्ची सीढ़ी से गिर गई थी तो उसके 3 छेद हो गए थे, मतलब छित्रा टाइप गए थे। तो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे, उनको दिखाए तो बोले ठीक हो जाएगा, बेहोश हो गई थी, बहुत गंभीर हालत में आए थे। अब से 3 साल से इलाज चल रहा था, पहले बोले कि मतलब दवा से भर जाएगा, अगर ना हो तो बाद में हम ये ऑपरेशन करेंगे। पहले इलाज कहाँ चल रहा था सर? क्या अब क्या हालत है? अब क्या अब बढ़िया है, स्वस्थ है, खाती है पीती है, वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आई है, अभी खाना भी खा रही है, बोलती है, बताती है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी खुशी है सर? हमको तो बहुत खुशी, जिंदगी मिल गई सर, बहुत खुशी है। ये साल 1.5 साल हो गया जी। क्या नाम है बच्ची? रश्मि सेन, राजा भैया सेन। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।